चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा बीजेपी के सभी जिला अध्यक्षों की संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई, जिसमें 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाए जाने को लेकर चर्चा हुई। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा महामंत्री एडवोकेट वेदपाल ने बताया कि संगठन की बैठक में चर्चा की गई कि बाबा साहेब की जयंती को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें कि हर महीने के दूसरे बुधवार को संगठन के सभी जिला अध्यक्षों की ऐसी बैठक बुलाई जाती है। बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल हुए। वहीं 6 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मनाए गए बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी संगठन की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बताया गया कि हरियाणा के 20,000 बूथों पर बीजेपी का स्थापना दिवस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संगठनात्मक बैठक की बीजेपी के नेताओं, विधायकों और सांसद भी पहुंचे। सभी जिला अध्यक्षों की मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ एक बैठक हुई है। बेसिकली बैठक का क्या एजेंडा? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर महीने के बुधवार को, दूसरे बुधवार को जिला अध्यक्षों की बैठक होती है और उसमें संगठनात्मक चर्चा होती है, महीने में क्या हुआ, क्या कार्रवाई, तो एक रूटीन की बैठक थी। उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बैठक ली। उस बैठक में जो हमारा 6 अप्रैल का कार्यक्रम हुआ है स्थापना दिवस का, माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी उस बैठक में रहे हैं, तो उस 6 अप्रैल के कार्यक्रम किस प्रकार हुआ उसकी बहुत अच्छी फीडिंग आई है। हमारे लगभग 20,000 बूथ हैं, सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं और बहुत अच्छे से संपन्न हुए, उसमें ठीक संख्या थी। और कल सोशल मीडिया से लेकर के और सब समाचार पत्रों में भी देख सकते हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए और सभी नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हों, यहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री जी भी रोहत, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो चंडीगढ़ कार्यालय उसमें झंडा फहराया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने रोहतक और फिर उसके बाद गोहाना और फिर पानीपत, कल 3-3 कार्यक्रम किए, यानी पूरा हरियाणा को उन्होंने कवर किया। तो एक बहुत अच्छी फीडिंग कल कार्यक्रम किया है, उसके बारे में चर्चा करी। और आगे चर्चा जो माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म जयंती है 14 अप्रैल को, उस पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, उस पर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर जिले में कार्यक्रम करने जा रही है, उसकी रूपरेखा तैयार की है और उसमें कार्यक्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, वो उसमें जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।